हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? गाइस आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस मेरा नाम है अब्दुल और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल करंट फार्मेसी। गाइस आज की जो वीडियो है उसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू सीरीज जो फार्माकोलॉजी से होने वाली है। गाइस हम वीडियो में बात करेंगे कि फार्माकोलॉजी क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है और साथ ही साथ जानेंगे हम फार्माकोलॉजी का क्या स्कोप होता है कि फार्माकोलॉजी हमें किस लिए पढ़ाई जाती है। गाइस उससे पहले अगर आप एक फार्मेसी के स्टूडेंट हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल आप ही के लिए है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लें। तो देखिए गाइस सबसे पहले हम फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन जान लेते हैं कि फार्माकोलॉजी की क्या डेफिनेशन होती है और फार्माकोलॉजी कितने शब्दों से मिलकर बना होता है और उसका क्या अर्थ होता है। तो गाइस मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ कि फार्माकोलॉजी कितने शब्दों से मिलकर बना होता है और उसका क्या अर्थ होता है। तो देखिए गाइस फार्माकोलॉजी जो शब्द होता है ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है और ये ग्रीक भाषा का शब्द है जिसमें पहला है फार्माकोन और जो सेकेंड है वो है लोगस। और बात करें फार्माकोन की तो फार्माकोन का जो अर्थ होता है वो औषधियाँ होता है और जो लोगस का अर्थ होता है वो होता है अध्ययन। और बात करें इसके फुल नेम की तो यही होता है कि ड्रगों का अध्ययन किस प्रकार से किया जाता है, यही सब हमें इस सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है। अगर गाइस हम बात करें फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन की कि फार्माकोलॉजी क्या डेफिनेशन होती है, तो देखिए गाइस फार्माकोलॉजी विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत औषधियों के इतिहास, स्रोत, भौतिक और रासायनिक गुण और जैव रासायनिक तथा फिजियोलॉजी और औषधियों के उपयोग के बारे में अध्ययन किया जाता है। मतलब औषधियों को किस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं, ये सभी जो अध्ययन किया जाता है ये हम फार्माकोलॉजी में ही किया जाता है। तो गाइस यही फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन होती है। अगर गाइस हम बात करें फार्माकोलॉजी की खोज की कि फार्माकोलॉजी खोज किसने की थी, तो गाइस जो फार्माकोलॉजी की खोज है वो चार्ल्स डार्विन ने की थी। और गाइस हम बात करें फार्माकोलॉजी के स्कोप की कि फार्माकोलॉजी का क्या स्कोप होता है, तो देख गाइस मेडिकल के क्षेत्र में फार्मेसी का एक अहम स्थान होता है। मतलब कि जितनी मेडिसिन हमारी मैन्युफैक्चरिंग या स्टोरेज की जाती हैं इसका जो ज्ञान होता है ये हमें फार्माकोलॉजी के ही से ही मिलता है। और गाइस ये डॉक्टर के परचेस के अनुसार दवाओं के डिस्ट्रीब्यूशन का ज्ञान भी हमें फार्मेसी से ही मिलता है। और गाइस हम बात करें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो गाइस जो हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो फर्स्ट ऑफ फार्माकोथेरेप्यूटिक। तो गाइस इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी मेडिसिन है उनका किस प्रकार से यूज करना है या जो फिर हमारी डिजीज है उनसे किस प्रकार से हमें बचाव करना है, जितना भी हमें ज्ञान होता है ये हमें फार्माकोथेरेप्यूटिक से ही मिलता है। और गाइस हम बात करें इसके पार्ट की, तो गाइस ये टू पार्टों में हमें डिवाइड होता है। जो फर्स्ट होता है वो होता है रैशनल और जो सेकंड होता है वो होता है हमारे एम्पिरिकल। और गाइस हम बात करें अपने फर्स्ट वाले पार्ट की यानी रैशनल वाले पार्ट की, तो गाइस इसमें क्या होता है जो हमारी मेडिसिन होती है उनका उसी प्रकार से यूज करना होता है जैसे कि हमारे डॉक्टर या फिर वैज्ञानिक बता देते हैं। और गाइस हम बात करें अपने सेकंड वाले पार्ट की यानी एम्पिरिकल वाले पार्ट की, तो गाइस इसमें हमें जो मेडिसिन होती है उनका यूज ही नहीं पता होता है कि हमें इस भाग में मेडिसिनों को किस प्रकार से यूज करना होता है। और गाइस हम बात करें अपने सेकंड वाले पार्ट की, तो देखिए गाइस जो हमारा सेकंड वाला पार्ट होता है वो होता है केमोथेरेपी के। तो गाइस इसमें क्या होता है जितने भी हमारे रासायनिक पदार्थ होते हैं मतलब जैसे हमारे NaCO है उनके किस प्रकार से हमें यूज करना है और जो हमारे रासायनिक संक्रमण रोग होते हैं उनसे हमें किस प्रकार से बचाव करना है, ये जितना भी हमें ज्ञान मिलता है ये हमें केमोथेरेपी से ही मिलता है। और गाइस इसके अलावा जो हमारे जेनेटिक कारक होते हैं उन पर किस प्रकार से मेडिसिनों का यूज करना होता है ये ज्ञान भी हमें केमोथेरेपी से ही मिलता है। और गाइस इसके अलावा जो हमारी पोथोलॉजी होती है उसमें मेडिसिन का किस प्रकार से यूज किया जाना चाहिए ये ज्ञान हमें फार्माकोलॉजी से ही मिलता है। और गाइस जो हमारी क्लिनिक फार्माकोलॉजी में औषधियाँ होती हैं जो मेडिसिन होती हैं उनका मनुष्य पर किस प्रकार से यूज किया जाना चाहिए ये ज्ञान हमें फार्माकोलॉजी से ही मिलता है। और गाइस इसके अलावा जो हमारे महाविद्यालय होते हैं जैसे यूनिवर्सिटी कॉलेज उसमें भी जो मेडिसिनों की मैन्युफैक्चरिंग स्टोरेज का ज्ञान सिखाया जाता है बच्चों को वो भी हमें फार्माकोलॉजी के नियमानुसार सिखाया जाता है। तो गाइस ये थे फार्माकोलॉजी का स्कोप। और गाइस हम बात करें कि हमें फार्माकोलॉजी किस लिए पढ़ाई जाती है कि हमें फार्माकोलॉजी से क्या लाभ मिलता है, तो गाइस हमारा जो फर्स्ट है वो है न्यू मेडिसिनों की खोज करना। जो हमारी नई नई मेडिसिन आजकल मार्केट में आती है उनकी जो खोज हो रही है हमें फार्माकोलॉजी ही सिखाती है। और गाइस इसके अलावा जो हमारी एंटीबायोटिक डिजीज होती है उनको किस प्रकार से निपटाना चाहिए मतलब उनको किस प्रकार से रोकना चाहिए ये ज्ञान हमें फार्माकोलॉजी से ही मिलता है। और गाइस इसके अलावा हम सभी को लंबे समय तक स्वस्थ जीवन जीने में मदद करने के लिए फार्माकोलॉजी का एक अहम हिस्सा होता है। और गाइस नई बीमारियों से निपटने के लिए जो दवाओं का विकास का ज्ञान मिलता है ये भी हमें फार्माकोलॉजी से ही मिलता है। और देखिए गाइस फार्माकोलॉजी मेडिसिनों की लड़ाई में आज सबसे आगे है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हर किसी को लंबे समय तक स्वस्थ जीवन जीने का अवसर मिले। दुनिया भर में फार्माकोलॉजिस्ट आज सबसे आगे है मतलब कि जो फार्माकोलॉजी है उसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाना चाहिए, मेडिसिन का प्रयोग किस प्रकार से किया जाना चाहिए और जो हमारे डिजीज होती हैं उनको किस प्रकार से रोकना चाहिए ये सब जो ज्ञान होता है ये हमें फार्माकोलॉजी से ही मिलता है। बस गाइस आज के लिए इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर गाइस वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें
और वीडियो को अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर कर दें। और गाइस आप किसी भी फार्मेसी रिलेटेड डायग्राम चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।